हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा है और आप देख रहे हैं गेट पीसी हेल्प यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइपिंग मास्टर के सेकंड डेज़ के बारे में, सेकंड डेज़ के बारे में। तो पहले वाला जो लेसन वन जो है होम रो, तो उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी थी और उसके बाद जो है दूसरा डे वो फर्स्ट डे था, आज सेकेंड डे है। तो टाइपिंग मास्टर में हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डेज का कोर्स है आज। तो चलिए हम अपने टाइपिंग मास्टर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा टाइपिंग मास्टर है और टाइपिंग मास्टर को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा टाइपिंग मास्टर है, ओपन हो चुका है। और हमारा जो नाम था, जैसे हमने ओम लिख दिया था ओम, और यहाँ पर इंटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेसन वन में द होम रो, तो इसका जो पूरा, इसके बारे में हमने पूरी तरीके से आपको बता दिया था। तो अब हम लेसन टू के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेसन टू कीज़ ई एंड आई। तो लेसन टू में हम ई और आई के बी जो ई और आई के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू की ई एंड आई लेसन टू पे, यहाँ पे 2.1 मतलब दूसरा लेसन का पहला जो मान लीजिए चैप्टर, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले लेसन में जो है आपने सीखा होम रो में जितनी कीज़ होती हैं उनको, उनके बारे में सीखा। फिर हम ई और आई के बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मिडिल फिंगर है इसको डी पे रखना है और इसको ई पर, जो ई है इससे ई भी प्रेस करना है, और सेम वैसे ही अपोजिट साइड में होगा। तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे टाइपिंग मास्टर जो है आपको पहले से ही जो है गाइड कर देता है कि आपको जो इस तरीके से फिंगर रखना है। तो फिर इसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे फिर से हमको एक न्यू डायलॉग बॉक्स दिखा रहा है एक। तो यहाँ पे लिखा है नाउ ट्राई टाइपिंग ई विथ लेफ्ट मिडिल फिंगर। तो ये होम रो हो चुकी है, ठीक है। तो होम रो के बाद हम ई पे क्लिक करेंगे और उसी तरीके से जो मिडिल फिंगर है उसको आई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे गाइड कर रहा है टाइपिंग मास्टर, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा सेकंड लेसन चालू होता है। तो चलिए हम अपने टाइपिंग मास्टर को टाइप करते हैं इसको। यहाँ आप जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे जो गलतियाँ हैं वो कम होती चली जाएंगी। तो आपको नियमित रूप से जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आपकी स्पीड जो है इम्प्रूव हो सके। थोड़ा बहुत गलतियाँ होंगी, फिर बाद में जो है गलतियाँ आपसे नहीं होंगी।
यहाँ पे हम टाइपिंग करते जाते हैं, जल्दी जल्दी इसको टाइप कर लेते हैं। आपको डेली डेली इसको जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आपकी स्पीड जो है इंक्रीज़ हो सके और जो गलतियां हैं उनको डेली डेली जो है एक एक कम करना है। और मेरी जो नेट स्पीड अब हो चुकी है लगभग 47 वर्ड पर मिनट, तो ऐसे ही हम इसको टाइप कर रहे हैं। अभी बाद में हम दिखाते हैं, स्पीड जो हमारी बूस्ट हो चुकी है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और धीरे धीरे आपकी स्पीड जो है बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे टाइप करते जाते हैं, फिर से आपको वही बार बार टाइप करना पड़ेगा। आप एक बार इसको जो है पूरी कर देंगे, फिर उसको फिर से टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर ई और आई ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उसके ही बारे में जो है बताया जा रहा है कि आपको उसके बारे में सीखना है। और यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जितनी फास्ट आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कर लेंगे, उतनी ही फास्ट जो है हिंदी टाइपिंग आप कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपको सबसे पहले हिंदी टाइपिंग जो है नहीं करना है, सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग को करना है। तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं और यहाँ पे हम बड़ी स्लो स्लो कर रहे थे, तब जाके यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट जो है हम कंप्लीट कर पाए हैं। तो और यहाँ पे वेरी गुड लिख के आया है, और इसमें आप जब 8-9 वर्ड पर मिनट जो है जब करेंगे तो इसमें उतना रिस्पॉन्स जो है नहीं मिलेगा, उसमें भले ही शायद गुड आता हो लिख के। और यहाँ पे ओके में जो है यहाँ पे दिख रही हैं, और डिफ़िकल्ट में कोई की नहीं है, तो चलिए यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। अब ऑप्टिमल ड्यूरेशन जो है इस पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी ड्यूरेशन स्टिक हैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ड्यूरेशन स्टिक हैं कुछ इस तरीके से, टावर जैसे मोबाइल में टावर होता है वैसे ही यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसको जब ये फुल हो जाएंगे तो आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसको नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे वर्ड ड्रिल पे हम क्लिक करते हैं, तो चलिए अब इसको हम देखते हैं
तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि वर्ड ड्रिल है, जो एक वर्ड आएगा आपको लिखने को और उसको तीन बार लिखना है। और यहाँ पे जल्दी जल्दी जितना फास्ट हो सके उतनी फास्ट हमको टाइपिंग करना है। और यहाँ पे जल्दी जल्दी हम इसको टाइप करते हैं। एक एक वर्ड को जल्दी जल्दी हमको कंप्लीट करना है। आपसे आज जब एक हफ्ता जो है आप वर्क करेंगे तो आपकी स्पीड जो है लगभग 20 वर्ड पर मिनट हो जाएगी। अगर रेगुलर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो ज़्यादा भी हो सकती है। और यहाँ पे जो टावर टाइप का दिख रहा है आपको, तो ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 30 सेकंड की एक स्टिक होती है और हर स्टिक 30 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। तो अब की बार आप लोग देखना कि स्पीड जो है काफ़ी अच्छी निकलेगी और इससे भी फास्ट हो सकता है अगली बार निकले। आपको रेगुलर वर्क करना है, डेली के डेली आप नियम बनाएं और इसको टाइप करें, जिससे आपकी स्पीड जो है, एक दिन आप देखना खुद कि आप बिना देखे जो है, अगर आप आँखों पे मास्क लगाए हुए भी हैं तो आप किसी भी वर्ड को बड़ी ही इजीली आप लिख पाएंगे। और यहाँ पे जो है फिर से हमारा पैराग्राफ जो है लिख के आ गया। आपको पहचानना है कि वो जब फिर से आ जाएगा तो जान लीजिए कि आपकी स्पीड जो है बूस्ट हो रही है। और यहाँ पे जो है 35 सेकेंड टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है और इसको जल्दी से जल्दी हमको इसको देखते हैं कितनी फास्ट जो है हम इसको सफल कर पाएंगे। यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 31 वर्ड पर मिनट यहाँ पे लिख के आया है, वेरी गुड। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एक चीज़, गोल में 94% पे हमने क्लिक किया हुआ है, तो जिसमें हम 85% जो है
यहाँ पे हम कंप्लीट कर पाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं। और यहाँ पे सेंटेंस ड्रिल में हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ सेंटेंस ड्रिल पे हम क्लिक करते हैं। अब सेंटेंस ड्रिल पे हम देखते हैं, अब उससे जो है हमको स्पीड जो है बढ़ाना है। और इस बार भी देखते हैं कितनी फास्ट जो है हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप लोगों को कितना लग रहा है कि कितना परसेंट जो है वर्ड पर मिनट जो है हम कंप्लीट कर पाएंगे, तो कमेंट करिए आप लोग। देखते हैं कितनी जो है कंप्लीट कर पाते हैं। अब की बार 35 से ऊपर जाएगा या उससे नीचे आएगा आप लोग बताइए। बताइए गाइस। आप लोग रेगुलर जो है प्रैक्टिस करना, जितना आपको टाइम मिले तब आप टाइपिंग जो है स्टार्ट कर देना। और हम एक दिन आप देखना कि आपकी स्पीड जो है प्रोफेशनल जैसे ही हो जाएगी। मुझे भी लगता था कि मैं बिना देखे जो है टाइपिंग नहीं कर पाऊँगा, फिर हमने टाइपिंग मास्टर से जो है सीखा। और आप रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत टाइपिंग करने लगा हूँ। थोड़ी बहुत हमारी स्पीड जो है बढ़ी है और धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि स्पीड जो है हमारी और भी बढ़ेगी। ये पूरी वीडियो आप लोग देखना और सॉरी वो टाइमर जो है
आप लोग टाइपिंग की स्पीड की साउंड देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे ही आप लोग जब टाइपिंग सीख जाएंगे तो ऐसे ही जो है। और यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ शायद, तब पिछली बार 31 था, अब की बार 32 हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं टिप सैटेलाइट फॉर स्किल ट्रैकिंग, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें हमको क्या बता रहा है कि ट्रैक, यहाँ पे ट्रैकिंग सैटेलाइट, चलिए इसमें कुछ नहीं है, उसके बारे में कुछ मत करना, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ के बारे में हम पैराग्राफ के बारे में जो है हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए इसमें आप लोग क्या देख, कितना हम वर्ड पर मिनट जो है ला पाएंगे। अब की बार 32 था, अब की बार कितना होगा, उससे कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी। चलिए स्टार्ट करें। अब की बार क्या लगता है, अब की बार लटक जाएंगे काविया। अरे गलती, यहाँ पे आप जितना भी अगर गलत कर रहे हैं तो यहाँ पे रेड लाइन जो है हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ टाइप करते जाना है, गलती बाद में देखना। और यहाँ पे गलतियों को हमको कम करना पड़ेगा और स्पीड जो है स्पीड बूस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप जब गलत कर देंगे तो उसको एंटर अगर कर दिया तो उसको जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। टाइपिंग अभी हम सीख रहे हैं, उतनी टाइपिंग जो है आती नहीं है, धीरे धीरे आप टाइपिंग मास्टर के ज़रिए जो है सीख पाएंगे।
आप जितनी कम गलती करेंगे आपकी स्पीड जो है उतनी ही जल्दी बेहतर होगी। आपको एंटर भी करना पड़ेगा, वरना अगर और यहाँ पे जल्दी जल्दी जितनी स्पीड हो सके आप उतनी स्पीड में जो है इसको टाइप कीजिए और इसकी गलतियों पे ध्यान मत दीजिए कि कितनी गलती हमने की। सिर्फ आप टेक्स्ट लिखिए बस। और देखते हैं अब की बार जो है बहुत ही कम जो है हमारा स्कोर आ चुका है 23, मतलब सीधे 10 वर्ड पर मिनट जो है उसकी स्पीड घटके 23 हो गई। तो अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि पैराग्राफ में जो है आप बहुत जो है कम स्पीड आपकी हो जाती है अदर जो है वर्ड के मुकाबले। जैसे आप एक एक वर्ड लिखते हैं तो उसमें जो है आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, और जो अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपकी स्पीड जो है उतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी, थोड़ी बहुत घट जाएगी। तो अभी हम सीख रहे हैं और देख रहे थे कि हमारी स्पीड जो है कितनी हो गई है। तो चलिए अगले वाले वीडियो का इंतज़ार करिए, अगला लेसन जो है लेसन नंबर 3। तो लेसन नंबर 3 के लिए वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी।